हाय दोस्तों दोस्तों संडे का दिन था और हम थोड़ा फिशिंग के लिए गए थे कैनाल में, बड़ी और छोटी मछली के तलाश में। और देखिए दोस्तों हमारे जाली को कैसे लेके जा रहे हैं पानी का बहाव से। और दोस्तों कैनाल में फिशिंग करना बहुत ही लक, बहुत ही किस्मत की बात होता है। आपके जाली में क्या गिरेगा आपको ही मालूम नहीं होगा दोस्तों। देखिए उधर एक आदमी मछली पकड़ रहे, और ये जो जाली है दोस्तों हमने थोड़ा अलग फिश पॉकेट को निकल कर, जो कि अलग से जो कि हमने बनाया है, पॉकेट पूरा निकल दिया था दोस्तों इसका। और देखिए येलो और ब्लैक कलर के वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर का वायर जो कि दोस्तों जाली के अंदर ही रहेगा। और जब जाली जब नीचे से खींचेंगे तो जाली पूरा एक जगह में हो जाएगा। देखिए पूरा एक जगह पे हो गया है जाली, तो जो ब्लैक कलर की वायर था दोस्तों, फिर से और एक बार ट्राई करते हैं। देखिए पानी बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं और हम जब गए थे तब दोस्तों पानी बहुत ही कम जा रहे थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों पानी का बहाव जो कि तेज़ होने लगा है। और तेज़ होने से क्या है दोस्तों, हमारे जाली को ही लेके जाएगा दोस्तों, जाली को ही लेके जाएगा पानी से, और उसमें मछली गिरने का चांसेस रहेगा मगर बहुत कम रहेगा, क्योंकि जाली का जो सराउंडिंग जो राउंड्स है उसमें फिर मछली गिरेगा, फिर वो अंदर से भाग भी सकता है दोस्तों, क्योंकि पानी का तेज बहाव रहने से ऐसा ही होता है। मगर हमने जो जाले यूज़ किया था उसमें जो कि मछली गिरे तो उसको निकलना दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि हमने जाली को अलग ही उसमें पॉकेट को निकल कर धागे लगाया है 16। देखिए एक मछली गिरा है, ये जो चेला मछली है, फिर से और एक बार ट्राई करते हैं। और थोड़ा रिक्स भी है दोस्तों, देखिए पिलर को देखिए आप, पिलर जो कि और 5 या 6 फीट बाकी है जो टोटली डूब चुका है, इतना पानी है दोस्तों। और हमारा जाली का वायर जो कि दोस्तों 35 फीट तक लगभग है। और फिर से हम जो कि ट्राई करते हैं, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वन लाइक्स वन कमेंट करें वन शेयर करें दोस्तों, और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के ज्ञान दोस्तों आपको मिल जाएगा, जो ज्ञान है जो काम है पूरा व्यक्ति मिल जाएगा। देखिए हमारा जाली कैसे अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद इसको 2 मिनट रुकने के बाद इसे खींच लेंगे, खींचने के बाद जो कि उसे धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे दोस्तों। और बहुत ही जो कि संडे का टाइम था, थोड़ा टाइम लेके गए थे। और वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों वन लाइक्स वन कमेंट करें। और देखिए जाली को धकेल के लेके आ रहे पानी, पानी का बहाव इतना है, जाली को धकेल के लेके आ रहे पानी। और हम जो वायर पकड़ के रखे उसमें थोड़ा अर्थिंग कैसा लगता है वैसा, जो कि दोस्तों अर्थिंग भी महसूस होता है पानी के बहाव, तेज़ बहाव के कारण। देखिए तो दोस्तों तेज़ बहाव के कारण क्या होगा दोस्तों, मछली इधर छोटा मछली जो कि था पूरा भाग के चला गया। और ऐसे ही दोस्तों फिशिंग में जो कि अलग ही एक मज़ा, पकड़ने में जितना मज़ा होता है खाने में दोस्तों उतना मज़ा नहीं होता है, ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उसको पकड़ना ही अलग मज़ा होता है। और क्योंकि वो पानी में रहते हैं हम ऊपर रहते हैं, एक चैलेंज बन जाता है उसको पकाना। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, आप देखते रहिए।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट में आपका रिस्पांस जरूर मिलने वाला है। अरे यदि के सारो रे बाबा, थैंक यू फ्रेंड्स, झूला झूला।